फिलहाल नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है और पतिदेव अभी भी सोए पड़े हैं क्योंकि सो गाइस फाइनली हो गई हूँ मैं तैयार और मैंने जैसे तैसे इनको तैयार कर दिया है। मेरे पतिदेव ना अभी तक इतना आलस दिखा रहे थे, इतना आलस दिखा रहे थे। मम्मी है घर में हम चले शॉपिंग करने और दिनों में मम्मी के साथ जाती हूँ, आज मैं मम्मी को घर में अकेले छोड़ के खुद जा रही हूँ। मुंह कुछ आ रहे हो। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं मार्केट और यहाँ पे ना इतना अजीब सा आ रहा है। एक नंबर के अलीत इंसान, सच में नाक में चूहा लगा है तुम्हारे, ये क्या बोलते हैं। मम्मी और मैं जा रहे हैं दीपावली की पूजा की शॉपिंग करने के लिए। दीपावली के सारे झालर वगैरह भी ले लिए हैं, मतलब ये दरवाजे के खड़े में तिरछे में झालर भी ले रखे हैं, तो ये सारे ना मैं वहां रख देती हूँ। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पैलाक और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बोरा भरकट या पिथौरागढ़ से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल द स्टार्टअप ब्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के 10:30 बजे से। फिलहाल नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है और पतिदेव अभी भी सोए पड़े हैं क्योंकि आज ना मतलब हमारे यहाँ मतलब औरों क्या भी आई होगी लेकिन मौसम काफी ज्यादा खराब हो रहा था, तो सुबह काफी ज्यादा खतरनाक वाली बारिश आई हुई थी और अभी अभी हल्की हल्की धूप निकली है तो ठंड हो रही थी इनको वहां के अनुसार। यहाँ काफी ठंड लग रही है इनको तभी ये अभी तक भी सो रखे हैं। मैं सोची थी कि आज हम शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, पता नहीं देखो क्या होता है, भरोसा तो है नहीं मुझे कि ये लेके जाने वाले हैं। बाकी दीपावली की शॉपिंग करनी भी रहती है हमारी, तो जो पूजा वगैरह का सामान है वो तो भरकट्टा से लाएंगे और अगर ये चलेंगे तो फिर मार्केट भी होके आएंगे आज हम। सो गाइस फाइनली हो गई हूँ मैं तैयार और मैंने जैसे तैसे इनको तैयार कर दिया है, लेकिन हमको ना फटाफट आना है क्योंकि आज भी मम्मी के खाना बनाने जैसा नहीं है, तो खाना बनाने के लिए घर पहुँचना है। अभी 11 बजने वाले हैं और 12-12:30 बजे तक हम घर आ ही जाएंगे, तो जाती हूँ नीचे और आपको नीचे मिलते हैं। वो बाइक भी निकाल दिया उन्होंने बाहर, गेट से बाहर। अभी एकदम मस्त वाली धूप आ रही है लेकिन हल्का हल्का बादल भी लगा है और मम्मी पापा नीचे हैं, अमित अपने कमरे में है। मेरे पति देव ना अभी तक इतना आलस दिखा रहे थे, इतना आलस दिखा रहे थे और अभी जाते जाते तैयार भी हो गए लेकिन अब बोले शेविंग किट ले आओ। वैसे तो आज उनका जन्मवार है, बाल तो काट भी रहे हो, थोड़ा सा दाढ़ी काट लेंगे क्योंकि तो वहाँ टाइम नहीं मिलाना उनको अभी। मम्मी है घर में हम चले शॉपिंग करने अरे हम चले दीपावली की शॉपिंग बोला हाँ हम चले और दिनों में मम्मी के साथ जाती हूँ, आज मैं मम्मी को घर में अकेले छोड़ के खुद जा रही हूँ। मम्मी बोली मतलब ही दुनिया है अवल मम्मी को छोड़ के जा रही हूँ मैं आज घूमने के लिए 3 महीने तक, मतलब ही पतिदेव 3 महीने की छुट्टी आया है तो तभी मम्मी मजाक करी है मतलब ही दुनिया और टाइम मेरे साथ आती है, आज अपने पति के साथ जा रही घूमने करके। हमारे पतिदेव जा रही है, मुंह कुछ आ रहे हो किसने अच्छे लग रहे हैं बाल सही तो हैं। अब हम निकलते हैं मार्केट की ओर, छुट्टी आने के दूसरे दिन मैंने इनको शॉपिंग में लगा दिया है, चलते हैं अब। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं मार्केट और यहाँ पे ना इतना अजीब सा आ रहा है मुंह और बारिश भी आ गई साथ साथ में हमारे मार्केट को। सो गाइस थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है और थोड़ी और बच रखी है लेकिन ना घर जाने का टाइम हो गया, मतलब खाना बनाने का टाइम हो गया है तो जाना पड़ेगा फटाफट से घर को। हम पहुंच गए घर और सिर्फ जूती और सूट लेके आई, मौसम इतना अजीब सा हो रहा है ना, मौसम के हिसाब से अजीब सा लग रहा है मुंह। ये रहे एक नंबर के अलीत इंसान, सच में नाक में चूहा लगा है तुम्हारे, क्या बोलते हैं मुस्सा। अब फटाफट से खाना बना लेते हैं क्योंकि खाना बनाने का टाइम ना ज्यादा ही हो गया है, फिर
फिर थोड़ा मार्केट जाके टाइम लग जाता है, 1.5 घंटे में ही हम वापस आ गए, 1.5 घंटे का, 1 घंटे में हम वापस आ गए, क्योंकि यहाँ से वहां जाने में 15 मिनट, आने में 15 मिनट लगते हैं, और 1 घंटे सिर्फ मार्केट में रहे, अब पहुंचे घर। दिन का खाना हमारा हो चुका है, और दीपावली की शॉपिंग ना हम कर नहीं पाए थे, क्योंकि पूजा वगैरह का सामान जो होता है मुझे पूरा पता नहीं है, और मेरे जो पति है उनको भी कुछ नहीं पता है, तो तभी हम कपड़े लेने के गए थे, लेकिन फिर वहां जाकर टाइम नहीं हो पाया, क्योंकि खाना बनाना, मुझे खाना बनाना था आज, तभी अब हम जाते हैं, यहीं भरकटिया ऊपर दुकान है, वहां से लेके आएंगे सामान, और फिर मिलता आपको। मम्मी और मैं जा रहे हैं सामान लेने के लिए, और पति देव सो गए फिर से। मम्मी और मैं जा रहे हैं दीपावली की पूजा की शॉपिंग करने के लिए, मम्मी आगे आगे आज, फिर मैं पीछे पीछे। तो दीपावली की सारी शॉपिंग हो चुकी है, और अभी मतलब पूजा का सामान मैंने मंदिर के यहाँ रख दिया है, बाकी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। आज तो 3 बज गया, ऐसे ही हो रहा आजकल, दिन में सोने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। सो गाइस, रेस्ट वगैरह करके मैं उठ गई हूँ, और आज लेट हो गया मुझे, क्योंकि मैं 3:30 बजे सोई थी ना, तो 5 बज गया होता है, मेरे दिन में बहुत नींद आ जाती है, तभी अब चाय बनाते हैं, चाय बनाने का टाइम भी हो गया। आजकल ठंड ज़्यादा ही बढ़ गई है, आज भी सुबह बारिश, फिर दिन में बारिश, धूप बारिश चल रही थी आज दिन भर। आजकल 3-4 दिन से मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो रही हूँ, कभी कुछ काम, कभी कुछ काम, कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना, व्लॉग ही नहीं बन पा रहा है। सुबह भी मैं सुबह काम कर रही थी, फिर काम करते करते मतलब जल्दी बाजी में फटाफट फटाफट काम करा, बहुत काम करना था आज भी, तो उस टाइम व्लॉग नहीं आया पहले, फिर लेट व्लॉग स्टार्ट करा, फिर मार्केट गए, मार्केट में ना इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि फ़ोन ऐसे पकड़ने का भी मतलब टाइम नहीं लगा, और हम इतनी हपड़ा तपड़ी में गए, और इतनी हपड़ा तपड़ी में वापस आ गए, मतलब 1.5 घंटे में आना जाना, वहाँ से सामान लेना हो गया था हमारा। फिर घर पहुँचते ही मैंने खाना बनाया दिन का, फिर बर्तन वर्तन धोए, फिर दीपावली का पूजा का सामान लेने चले गए, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा थकान लग गई थी यार, तभी मैं फिर सो गई, तभी अब उठी हूँ, अब बनाते चाय। आज गले में अजीब सी खराश भी हो रही है, एक तो मौसम आजकल ना बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा है। दीपावली के सारे झालर वगैरह भी ले लिए हैं, मतलब ये दरवाजे के खड़े में तिरछे में झालर भी ले रखे हैं, तो ये सारे ना मैं वहां रख देती हूँ, जहाँ पे मैंने मतलब किचन वाले कमरे में जो मंदिर में था वहां रख देते हैं, ताकि कल सुबह जब मैं झाड़ू पोछा करके सारी चीज लगाऊंगी ना, तो मुझे एक ही जगह पर मिलेगी। और एक ना रुई ले रखी है, मतलब बन बनाई रुई होती है ना, जो बाती होती है, वो भी ले ली, ताकि मतलब कल के लिए सही हो जाएगा ना मेरे, क्योंकि मेरे को कल भी काम अकेले करना है, मम्मी का कुछ भी करने जैसा नहीं है काम, थोड़ा बहुत पति देव और अमिति करेंगे, करेंगे तो मेरे साथ, वरना अगर वो नहीं करेंगे तो फिर मेरे को ही करना है सारा काम अकेले ही, तो रख ही देती हूँ उसको यहीं। और आप लोग सोच चुके आज पति देव को मैं लेके भी नहीं आ रही हूँ ज्यादा ब्लॉग में, आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतलब वो घर आ रखे हैं, लेकिन वो शाम को ग्राउंड नहीं जा रहे, क्योंकि उनके ना मतलब गाड़ी में, पहले मैं ही कहती हूँ, उस दिन रुड़की से अपनी यूनिट वापस गए, फिर उतना ट्रैवल करा, दिन में पहुंचे, फिर वहां वर्किंग वगैरह, फिर उसी दिन रात को वापस आए, फिर कल रात को पहुंचे ठंड में, तो उनको ठंड लग गई काफी ज्यादा, और दिन में भी मैं उनको जबरदस्ती लेके गई थी मार्केट को, ताकि मेरा सूट सिल जाएगा करके, फिर तभी आज वो गए नहीं, आज वो बहुत ज्यादा मतलब ना ऐसा होता, ठंड लग गई उनको, खांसी वासी भी हो रही थी, तभी नींद दिखा रही हूँ मैं उनको ज्यादा। वो व्लॉग में ऐसे मतलब उनके ना सर दर्द हो रही थी, वो बोले थे मेरे को व्लॉग में आज ज्यादा नहीं आना है थोड़ा बहुत, तभी वो ऐसे आए, बोले भी नहीं, अब कल से बोलना स्टार्ट करेंगे व्लॉग में। तो चलते हैं नीचे और रात का खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, टाइम भी हो ही गया है हमारा खाना बनाने का। आज मैंने मार्केट से क्या क्या शॉपिंग करी ये तो आपको दिखाई नहीं, और मतलब ना वैसे मैंने मार्केट से सिर्फ 2 चीज़ ली, और मैं लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें ली थी, जैकेट, शूज़ वगैरह ये सारी चीज़ें, लेकिन मैंने आपको बोला ना कि टाइम ही नहीं था ज़्यादा, तभी हमने ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी। अब हम 14 को जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, लेकिन मैंने मतलब इन्होंने मेरे लिए एक सूट ली, गर्म सूट, जैसे मेरी ब्लू वाली सूट है तो वैसे टाइप की एक सूट ली, और वो मैंने सिलाने के लिए भी दे दी, और वो 14 तारीख को आएगी, तो तब दिखाएंगे आपको सूट। और ये शूज लिए मैंने, शूज क्या जूती टाइप के हैं, जो कि सूट के साथ पहनने के लिए, इसमें थोड़ा अजीब से लग रहे होंगे आपको, लेकिन ये पाँव में पहन के ना काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, गर्म सूट के साथ पहनने के लिए सही है। और फिर मैं सोची थी कि स्पोर्ट्स शूज लेती, मतलब नॉर्मल लोअर या जीन्स में भी काम है, क्योंकि घूमने के लिए जाएंगे तो वहां लोअर और जीन्स ही पहनूंगी, सूट तो ज्यादा पहनूंगी नहीं, मतलब या तो
एक दिन पहनूंगी ऐसे नॉर्मल। और फिर मैंने सोचा कि वाइट वाले सूज है तो वो ही पहन लेंगे, वाले नहीं लिए फिर सूट के साथ, यही ठीक है। फेस के साथ सॉक्स भी लेने हैं। अब हम 14 तारीख को करेंगे फुल शॉपिंग। सो गाइस, रात का खाना वगैरह हमारा हो चुका है और कल महालक्ष्मी पूजा है, यानी कि बड़ी दीपावली है। तो आप सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी 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 दीपावली। और कल का जो व्लॉग होगा काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मतलब आज ना थोड़ा मार्केट वगैरह बहुत, मतलब काम वाम बहुत हो गया था, लेकिन व्लॉग बन नहीं पाया उसके बीच में। होता है ना कि बहुत सारा काम होता है तो उसके बीच में फ़ोन पकड़ने का टाइम नहीं होता। आज मैंने चलाया भी नहीं ज़्यादा फ़ोन, और अभी तक अभी मैं ना थोड़ी देर पहले ही देखा कि आज के व्लॉग में व्यूज़ कितने गए। सुबह मेरे को ध्यान भी नहीं रहा, व्लॉग भी जल्दी अपलोड हो गया मेरा, ऐसे ही हो गया था। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जो मेरी नई नई वीडियो आती रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं दीक्षा मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में, तब तक ले स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय।